जाने कहाँ चले गए ये दोनों। देव भैया को तो किसी भी टीम में 12th बैट्समैन की भी जगह नहीं मिल सकती, इतनी गंदी बैटिंग कर रहे हैं। देवू कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो माँ सॉरी, फोन खो गया गलती से। फोन खो गया? और विवान कहाँ है? विवान वो फोन ढूंढने के लिए गया है और वो बुरे लोगों की गैंग को भी सबक सिखा। बुरे लोगों का गैंग? चल गोबू खेलते हैं, चल ना खेलते हैं, खेलते हैं। अरे सच सच बताओ देवू, किन बुरे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ कहाँ गया है विवान? मुझे पता है कौन है वो बुरे लोग। मतलब विवान ने तुझे भी सब बताया है, तू भी विवान की गैंग में शामिल है? गैंग तो टपोरी लोगों की होती है, मैं तो विवान की पलटन में हूँ, इसमें प्यारे प्यारे शैतान बच्चे रहते हैं। अरे जल्दी बताना गोपू, कहाँ गया है विवान, कौन सी बुरी गैंग है ये? चिंटू चिंटी से लड़ने गया है, वही है भारत नगर के सबसे बड़े विलान। क्या मैं माँ को बता दूँ कि विवान कहाँ गया है? पता नहीं उस टिगर से वो लोग क्या करेंगे। वैज्ञानिक कितना समय और अभी बॉम्ब बनने में? ट्रिगर लगा दिया है मैंने, सिर्फ एक घंटा और, उसके बाद बॉम्ब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। धरती भस्म होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। बस धन्यवाद ताई, मस्त वाटता है। मामा जी आपको नहीं लगता कि ये फेस पैक लगाने के बजाय आप थोड़ा सिक्स पैक्स पे ध्यान दें तो बेटर रहेगा? क्यों, मेरे पेट को क्या हुआ सुतली? मैं खोलती हूँ। थाम सुतली थाम, अब मैं बिना देखे ही दरवाजा खोल दूंगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ सीधा सीधा सीधा। ये हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। फेस पे फेस पैक है, ऐसी हालत में मेगा जी ने मेरा थोड़ा देख लिया, मेरा इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तुम सुतली दरवाजा खोल। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे क्यों छुप रहे हो जैसे बाहर डॉन आ गया हो? अरे डॉन से कौन डरता है सुतली, मेगा जी है दरवाजे पे। मेगा जी तू एक काम कर, उनको जाके बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। जा 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 बक्तिस का जाना लोग कर। हाय सुतली। हाय। कानून जी घर पर है? मामा जी ने कहा है कि वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ ऐसा ही बोला है उन्होंने। अच्छा कानून जी, क्या आप मुझसे नाराज है? मेघा जी मैं और आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप और मेरे गरीब खाने में? तो फिर छुपे क्यों है, बाहर आइए ना। अरे विवान क्या है ना कि मुझे एक जोची ने कहा है कि मैं 12 बजे तक अगर अपना सुंदर चेहरा नहीं दिखाऊं ना तो सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बैड लक नहीं होगा, बैड लक। जमुना सानिया का न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरी धरती का बैड लक हो जाएगा। मुझे जल्दी फोन की लोकेशन को ट्रैक करके जमुना शहर तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उधर देखो 12:12 हो गए। क्या 12:12? अभी तो 11 बजे थे, फास्ट फॉरवर्ड में 12 कैसे हो गए? वो बच गए। कानून जी मुझे आपकी मदद चाहिए, दरअसल मेरा फोन गुम गया है और उसी के बारे में मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या ये क्या कौन क्या? मैं आपका कानून जी हूँ। किसने हिम्मत की आपके फोन को चुराने की? मैं मेरी जान मेरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा फोन ढूंढने में। हाँ मेघा जी आप नंबर दीजिए। विवान ये दीजिए। ओके
है? ये तो करुणा जी का नंबर है। हाँ, क्योंकि मेघा दीदी मम्मी का फोन यूज कर रही है ना। हाँ। लेकिन मेघा दीदी मेघा जी मम्मी का फोन क्यों यूज करती है? क्योंकि इनको भी एक ज्योतिष जी ने कहा है कि ये वाला नंबर जो है ना इनके लिए लकी है। हाँ। लेकिन अरे लेकिन लेकिन छोड़ो ना कानून जी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वरना मैं किसी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा देती हूँ। मेघा जी आप नाराज मत होइए, मेरे होते हुए आप और कहीं कहाँ क्यों जा रही है? बस एक बार फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाए उसके बाद टम्मी अंडी की उल्टी गिनती शुरू। अब ना रहेगा बॉम्ब, ना रहेगी टमना सा। गिरपाल जी कितने सभ्य पुरुष है ना, मेरा मतलब मस्तीपुरी और तुमने ये खोजी यंत्र मांगा और उन्होंने दे भी दी। भाई बड़ी, भाई बड़ी, सिग्नल नहीं जा रहा। सोच कह रही हूँ भाई बड़ी, तोड़ दो दरवाजा। फोड़ने के लिए बॉम्ब तो दूर एक गुब्बारा भी नहीं है। आवाज यहीं कहीं से आ रही है। इसका मतलब तमन्ना शाह को इस मोबाइल फोन के बारे में पता था और उसने हमारी फिरकी ले ली। विवान, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं बॉम्ब बन गया तो कितनी देर में फटेगा। अब वो लोग तमन्ना शाह तो क्या, तमन्ना शाह की परछाई तक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब आगे करना क्या है तमन्ना शाह? कुछ नहीं, तुम और नागिनी उस बड़े बालवीर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि मुझे शक है कि बालवीर और शौर्य मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। सर्वकाल, धरती भस्म होने में अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। कहाँ है वो तुम्हारी छुपी शक्ति जो काल लोक की भैरानी का काल बनेगी? इतनी नादान हो तुम तमन्ना शाह, मेरी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य कवच में छुपी बैठी हो और तुमने ये भी नहीं सोचा कि कोई अदृश्य कवच मेरी नजर से छुपा नहीं रह सकता तमन्ना शाह। कौन से अज्ञात ऊर्जा है जिसने मुझे ये गुप्त संदेश भेजा है? यूरेनियम के चोरी हुए पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बॉम्ब के लिए भी किया जा सकता है। ये एक बॉम्ब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या फिर ये किसी दुश्मन देश की साजिश है? दादाजी मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्यों, वो भी इतना ताकतवर जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। नहीं बेटा, साइंस अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छे या बुरे तो लोग होते हैं। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर न्यूक्लियर पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर देबू भैया, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि बालवीर को सब पता होता है। बालवीर को सब पता होता है मतलब? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैंने तो अभी अभी इस बुक में पढ़ा। दादाजी क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अरे हाँ हाँ चलो चलो, मंदिर जाने से तो मन को शांति मिलती है। चलो बेटा देबू तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं पर रुकूंगा। माँ घर पर अकेली है, विवान नहीं आया इसलिए वो पहले से ही परेशान है।
और अब मैं भी नहीं मिलूंगा तो वो और परेशान हो जाएगी। हाँ देवू भैया। और हाँ खुशी, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। तुम कब आए विवान? हाँ भी मम्मी की तरह मेरी कदमों की आहट पहचानने लगे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास माँ जितने तेज कान कहाँ है, लेकिन मेरे पास ये चार आँखें हैं जिससे मैं चारों दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। पता नहीं तिमनासा ने उस बम को कहाँ छुपा रखा होगा। वैसे तुम्हारा मुंह दो दिन पुरानी ब्रेड जैसा क्यों हो गया? अरे ये मिल गया तुम्हें? वाह, इसका मतलब तुमने तिमनासा के बम को डिफ्यूज कर दिया होगा, है ना? बम तैयार हो गया है। बहुत खूब वैज्ञानिक, बहुत खूब। चलो अब इसी बात पर तुम्हारा पृथ्वी लोक से जाने का समय आ ही गया। मुझे मत मारो। वैज्ञानिक? अरे वैज्ञानिक कहाँ जा रहा है? मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पे। अरे रहम ही तो खा रही हूँ मैं तुम पर, तभी तो तुझे मेरे हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना तुम भी उन धरती के लोगों की तरह उस परमाणु बम के धमाके से भाप बनकर उड़ जाते, है ना? एक मिनट, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप ये बम कैसे चलाओगे? इसको चलाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मुबारक हो वैज्ञानिक, काम खत्म होने तक तुम्हें उधारी की चंद सांसें मुबारक हो। अब मेरे काल साम्राज्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। सर्वकाल की वो छुपी शक्ति भी नहीं, और ना ही वो दोनों बालवीर। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर वो ताकत है जो आखिरी पल में भी डूबती हुई नाव को किनारे तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। मतलब बालवीर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकता है। तुम तिमनासा को नहीं जीतने दोगे, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन अपने बालवीर होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभा लो। माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पिछले चार घंटों से वो तुमसे मिलना चाहती है, एकदम परेशान हो गई। अब जल्दी मिलो वरना वो और गुस्सा करेंगी। चलो चलो। देखो भैया, ये अपनी गलती से मम्मी के सामने वो सीक्रेट तो नहीं भूल दिया ना? नहीं, वो क्या है ना, गलती से मुँह से सिगरेट तो निकल गया था, लेकिन गोपो ने बचा लिया। गोपू ने? हाँ, वो क्या है ना, मैंने माँ के सामने गलती से बुरे लोगों का गैन बोल दिया, लेकिन वो गोपू ने उसे गलती से चिंटू चिंटी समझ लिया। हाँ, चलो पहली बार गोपू का गलत तुक्का एकदम सही जगह लग गया है। हाँ, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना, हमें ये सीक्रेट सबसे छुपा के रखना है, मम्मी से भी, ठीक है? ओके चलो। पता नहीं ये विवान कहाँ है और कब आएगा। मम्मी आंखें खोलो, मम्मी को क्या हो गया? मम्मी अचानक बेहोश कैसे हो गए? मम्मी आंखें खोलो ना। विवान, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये क्या है? ये अचानक हवा में दरवाजा कैसे खुल गया? और अंदर एक सफेद शेर भी है। नहीं, ये क्या है विवान? अरे तब मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जाग देवू, देवू जाग, देवू। अरे देवू भैया, अरे 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 भैया, ये कोई सपना नहीं है, और ये वीर लोग के बिग बॉस है शौर्या।
और अंजाम में कोई भी खतरा नहीं है। पक्का? पक्का। अरे तो विवान पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो फुकट में अपने गाल लाल कर बैठा। वैसे तुमने पहले कभी बताया नहीं कि वीर लोक के प्रिंसिपल ये शेर सर है। आपने अभी क्या कहा? शेर सर? हाँ। अरे कोई नौकर शेर को, मेरा मतलब शेर सर आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं है अगर मैं आपको शेर सर बोलूं? विवान, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। हाँ? मुझसे किसी अज्ञात ऊर्जा ने संपर्क किया था और इस ऊर्जा ने मुझे धरती पर उस परमाणु हथियार का पता बता दिया है। लेकिन उस ऊर्जा के पीछे वो भोरी दीदी तिमनासा का भी तो हाथ हो सकता है शेर सर। आई मीन शौर्य भैया। हाँ शौर्य, हो सकता है कि तिमनासा ने हमें भटकाने के लिए हमें गलत पता बताया हो। नहीं विवान, मैंने पूरी जांच कर ली है और ये जानकारी सही है। लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? मैं इस बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि तुम जाकर पृथ्वी पर मंडराते विनाश के खतरे को दूर करो। ठीक है, मैं अभी परियों के साथ जाता हूँ। परियां पहले ही जा चुकी हैं, अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है। देवू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, माँ को हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? जब एक बेटा अपनी माँ के साथ हो तो दूसरे बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाकर एक बेटे का धन पूरा करिए और मैं धरती को बचाकर बालवीर का धन पूरा करता हूँ। परमाणु बम। क्यों ना मैं इस बम को चल अचल से वापस कालो की भेज दूं, तिमनासा का पटेगा उसी के गार्डन में फोड़ दूं। तिमनासा की बुरी शक्ल ठीक कर दूं मैं, उसकी अकल काल लोग को मिलेगी सीख जब बम कट चला जाए। विवान, विवान, समर के, ओह, विवान उठो, विवान। तुम ठीक तो हो ना विवान? लगता है तिमनासा ने इस बम को धरती के साथ किसी जादू से जोड़ रखा है। मतलब इस खतरनाक हथियार को हम पृथ्वी से बाहर ही नहीं भेज सकते। अगर हम इस बम को चले चल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम इस बम को डिफ्यूज कर दें? डिफ्यूज? डिफ्यूज? ये क्या होता है विवान? जैसे कि माचिस की तिली पर अगर हम पानी डाल दें तो वो तिली आग नहीं पकड़ती। ठीक उसी तरह अगर हम इस बॉम्ब के अंदर जो सर्किट का तार है हम उसे खराब कर दें तो ये बॉम्ब नहीं फटेगा। विवान, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है विवान।
इस छोटे बालवीर की हिम्मत को मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बेचारा अब खुद भी मरेगा और साथ ही खत्म होगी वो छुपी हुई शक्ति भी। चल वैज्ञानिक, घड़ी शुरू कर दे। ये कैसी आवाज थी विवान? इस बम का टाइमर शुरू हो गया है। ठीक 4 मिनट बाद ये बम फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते हैं और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, इस बम का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमन्नासा में दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बॉम्ब को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह, सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकला फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। पर इतने कि साइंस में तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने सा, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ। आज तुम बस अपनी इन दो तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्नासा मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तमन्नासा को हरा दोगे? गलत फहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमन्नासा, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल, कि आपको मैं और ये दो परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम दीवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं गई। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी अभी उड़ना सीखा है, पर काट दो इसके। Hey!
मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है विवान? हाय परी, बहन जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। टिम्मी आंटी, अब मुझे तो कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो। हजार मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया। कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विवान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बीस, 19, 18, बस कुछ पल और। परियों, हमें खुद को इन सांपों से आजाद करना होगा। लेकिन ये सांप बहुत ही ताकतवर है विवान। ताकतवर होंगे लेकिन है तो सांप ही ना। और आप तो जानती हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सांप के सामने बीन बजाओ तो। नहीं, नहीं, नहीं।
लगता है सदमे से पागल हो गई है, हंस रही है। अरे विवान, तुम तो बस एक पल से चूक गए। तुम्हारी धरती अब तक तबाह हो चुकी होगी और लोग भूल चुके होंगे उसमें। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विवान, विवान। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वो प्यारे से नन्हे सी पृथ्वी भी अब तक धूल बन चुकी होगी। एक ही झटके में बड़े बालवीर और उस छुपी शक्ति से छुटकारा पा लिया मैंने, और अब मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। चमनासा, इस नेक बच्चे को आखिरी बार इसकी प्यारी पृथ्वी और इसके प्यारे परिवार से तो मिलवा दूं। क्यों नहीं, जरूर। दूसरी धरती ने कहां से जन्म ले लिया? ये दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये वही पृथ्वी है, मगर कैसे? इसका मतलब वो परमाणु बम फटा ही नहीं। बस की बम निकला। नासा, आखिर ये बम फटा क्यों नहीं? सर, ये अपनी जान बूझ कर टेमी अंडी को बिना इंजन वाली कार, बिना दांत वाला शेर, यानी कि बिना ब्लास्ट वाला बम तो नहीं दे दिया था। स्मार्ट हा? पहले ये काम मैं नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये काम किया और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने ये बम बिल्कुल सही बनाया था। क्या? तो फिर चक्कर क्या है? आप ही चेक करके बताइए ना कि ये बॉम्ब हिट होने के बदले फ्लॉप कैसे हो गया। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। अरे, इसमें तो ट्रिगर के साथ कनेक्टर भी नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन मैं और बरियां जब यहाँ आए थे तब तो टाइमर ठीक से चल रहा था। इसका मतलब उस वक्त तो ट्रिगर था। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये किया है। आखिर ये हो कौन सकता है? मेरी तरह कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आप मुझे माफ कर दीजिए, जब मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए थी मैं उस तिमनासा से डर गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी इसलिए। जिसने भी ये काम किया है उसके फिंगरप्रिंट्स तो जरूर होंगे। ये
नहीं तो और भी अजीब बात है, इस बम पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। कम से कम साइंटिस्ट सर के तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। ये क्या लोचा है? अब इस वैज्ञानिक को कुछ याद नहीं रहेगा। ये तो देवू भैया का चश्मा है, तो क्या इसका मतलब उन्होंने बॉम्ब को नाकाम किया है? लेकिन वो तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। ये संभव ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बालवीर की शक्तियां बाकी नहीं रही, तो भला वो कैसे परमाणु हथियार को नाकाम कर सकता है? अरे रे रे रे, नागिनी शांत हो जाओ। भले ही तुम्हारी आंखों में अपने दुश्मनों की तस्वीर छप जाती होगी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि किस तरह बारवीर आकर कालोक वाले के चेहरे पर हार की छाप छोड़कर चला जाता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बालवीर ने विवान और परियों को यहाँ भेजा हमारा ध्यान भटकाने, ताकि धरती पर उस विस्फोटक को नाकाम कर सके? ठीक ऐसा ही हुआ है। चाहो तो शर्त लगा लो एक कटोरी दूध की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस बहुत हुआ अंधेरे में तीर चलाना। इतना सा हमें खुद धरती पर जाके देखना होगा कि हो क्या रहा है, बालवीर के पास शक्तियां हैं या नहीं। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। नागिनी तुम मेरे साथ चलो, आज इस बालवीर के नाटक का पर्दाफाश होके रहेगा। अब हैरानी है, क्या लगता है आपको, क्या देव ही देवू है, क्या देवू ही बालवीर है, क्या देवू देव बालवीर एक ही है? माँ आप आराम से बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता। अरे पर यहाँ तो मेडिकल शॉप है। माँ माँ आप बैठिए, मैं मेडिकल शॉप ढूंढ लूंगा। भैया बैठिए, जल्दी आना। हाँ ये सब क्या कर रहे हैं भैमार? ये धरती वालों का हर साल का तमाशा है। इन्होंने प्यार मोहब्बत के लिए एक दिन तय कर रखा है, जिसे ये वैलेंटाइंस डे कहते हैं। पर खैर तुम इन सब चीजों से दूर रहना, तुम नागिनी हो। तुम्हारा काम याद है ना, बालवीर पे नजर रखना। चलो ना भैमार, हम भी अपना एक चित्र निकालते हैं। तुमसे मना किया था ना, ये फोन वोन के चक्कर में मत पड़ो। बालवीर पे ध्यान रखने के लिए कहा था। वो देखो, वो रहा देबू उर्फ बालवीर उर्फ देव। सच्चा बालवीर कभी किसी मासूम की जान नहीं जाने देगा। समझ गई ना क्या करना है? बच्चा
को बालवीर बनके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। शाबाश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।